पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पीएसएसएम में से आई हूँ मैं, तब से तो जैसे मैं पूरी चेंज ही हो गई हूँ, एकदम मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरा टेस्ट यानी कि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया है, इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं। मेरा नाम जया वरसानी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ध्यान में मैं लास्ट 8 ईयर से हूँ, पर पहले अलग ध्यान करती थी। तो ध्यान के विषय में मुझे कुछ पता नहीं था कि ध्यान क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मगर ये था कि कभी भी मुझे मंदिर या दर्शन करने में इंटरेस्ट नहीं जाग रहा था कभी भी, कि मुझे पूजा पाठ के श्लोक कैसा अंदर से ही नहीं हो रहा था कभी भी कहीं भी। तो ये पढ़ते हैं कभी कभी बुक्स मैंने वगैरह में कि मुझे गुरु, किसी के पास गुरु नहीं है तो कोई गुरु तो होना चाहिए, तो पता चले कि गुरु कुछ लाए, हमें दिखाए रास्ता कि कैसे आगे बढ़े। तो ऐसा मैं सोच रही थी, तो एक दिन हमारे सोसाइटी में एक शिविर हुई थी, वहाँ से मेरा ध्यान शुरू हुआ। तो वो 7 साल किया, फिर कोरोना जस्ट फिनिश हो रहा था, और क्योंकि वो तब तो बाहर नहीं निकल सकते थे लोग, तो फिर YouTube से सब चैनल वगैरह सब ये सब PSSM का आता था। तो एक बार मैंने शंपा मैम का देखा था और शंपा मैम को सुना था कि वो कैसे आई ध्यान में, वो देखा था, और फिर बाद में एक प्रोग्राम पूरा देखा था, फिर JTTP 14 किया, तब से हम ध्यान में हैं। PSSM में से आई हूँ मैं, तब से तो जैसे मैं पूरी चेंज ही हो गई हूँ, एकदम मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरा टेस्ट यानी कि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया है, इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं कि ऐसा लगे कि जैसे चमत्कार हो, जो सोचूं वो हो जाता है, जो मैं सोचती हूँ वो तुरंत हो जाता है, ऐसा लगे कोई आके कर देता है ऐसा। तो कुछ भी सब्जी काट रही हूँ, काम कर रही हूँ, इतना ईजी काम हो जाता है, कभी थक नहीं लगता, फिर भी फ्रेश, और सब जगह मुझे सब्जी काटो तो मुझे उसकी उसमें मुझे ऐसा लगे परमात्मा की एनर्जी इसमें है, परमात्मा इसमें है, परमात्मा उसमें है, मेरे काम वाले, मेरे हस्बैंड, कोई भी घर में, तो मुझे उसमें ऐसा लगे कि ये परमात्मा ही है, बस ऐसे दौड़ रहे घूम रहे। तो फिर मुझे अंदर से कोई, मैंने गाना भी उसका फिट कर लिया, जब जब मुझे वो परमात्मा याद आते हैं तो उसके वो समर्पित कर देती हूँ, वो गाना गाती हूँ। तो ऐसा करते करते मेरी जर्नी बहुत चल रही है, अच्छी सी सुंदर सी, फिर अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई है, बहुत हुई है, मगर एक दो बताऊँगी जो रिसेंट हुई है। वो कि अभी हम सितंबर में केरला गए थे, तो केरला में तो ग्रीनरी बहुत है, तो फिर वहाँ सुबह में अर्ली मॉर्निंग योग और ध्यान हमेशा करते थे, जितने दिन थे उतने दिन। तो ध्यान तो इतना अच्छा लगा था कि ऐसा मैं इसमें उसमें ही थी कि एनर्जी में ही थी, पूरा खुश थी कि इतना सुंदर ध्यान लग रहा है, इसमें यहाँ रहने आना चाहिए, ऐसा सोचते सोचते मैं नहाने गई। तो जैसे मैंने आंखें बंद की तो मैं स्वयं को देख रही हूँ, सामने मैं मेरा रूप देख रही हूँ। तो मुझे लगा ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मुझे लगा ये कैसे होगा, फिर आंखें खोल दी, तुरंत खोल दी, फिर सोचा कि लाओ फिर से मैं बंद करती हूँ, तो शायद मुझे दिखे कि दुखी दिखता है कि नहीं दूसरी बार। तो फिर मैंने आइज बंद कर दी, तो फिर मैं ही दिख रही थी। तो बस आगे कुछ क्या करना है वो नहीं पता है, अभी खुश हो रही थी इसलिए कि मुझे ऐसा कि ध्यान कर रहे तो कुछ तो नया हो रहा है आगे आगे, मतलब तो इतनी खुश एनर्जी से भर गई थी, बहुत मज़ा आया। और दूसरी वो है कि अभी लास्ट 6-8 महीने से सूक्ष्म शरीर मेरा अंदर का 24/7 चल रहा है, जो जहाँ कहीं ऐसी एनर्जी वाला जगह हो वहाँ जाती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बाहर निकल रहा है। अभी हम कल यहाँ एक जगह गए थे, ओंकारेश्वर पिरामिड जगह है वहाँ, तो वहाँ सब अलग 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 ओम के उसमें पिरामिड बने हैं, तो एक पिरामिड में मैं बैठ गई ध्यान करने किंग चैम्बर में, तुरंत वो बाहर निकल गया और तो मैं ऐसे गिरते गिरते रह गई। मेरे साथ में एक थी हमारी फ्रेंड, तो उसने बोला कि आप रुक जाओ और बैठो, हाथ पकड़ लिया। तो ऐसा हो जाता है। तो अभी शंपा मैम मिले मुझे, मैंने शंपा मैम को भी पूछा, तो बोला नहीं अच्छा है, आप आगे और साधना बढ़ाओ और उसको क्वेश्चन भी करो कि वो आपको जवाब देंगे। फिर
रिसेंट दिवाली के पहले इस बार सोचा कि पिरामिड में हूँ तो मैं पिरामिड बना के घर में तोरण लगाऊंगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड पिरामिड का तोरण बना रहे थे, तो एक बड़ा सा तोरण 4x4 का पिरामिड लगा रहे थे, तो फिट कर रहे थे। तो हमारी काम वाली बाई है, उसका नाम कमला है, तो वो कपड़े धो रही थी। तो वहाँ से दूर से बोला कि आप क्या कर रहे हो। कि हमने बोला कि ये पिरामिड है, उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा आती है। तो वो क्या ऊर्जा होती है उनको कुछ पता नहीं, वो अनुभव है। और फिर मैंने बताया कि इसमें 3 गुनी ऊर्जा हमें उतरती है और हम शांत हो जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मज़ा आता है घर में रहने का। तो बोलती है कि मुझे भी करना है। मैंने बोला पता है तुझे कि ध्यान क्या होता है उसमें, तो रोज़ करना पड़ता है क्योंकि तेरा तो इतना सारा काम है, कैसे करेगी। नहीं मैं करूँगी, मुझे शांति चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि अच्छा तुझे करना है तो कल तू आ जा, कल से मैं मेरा काम छोड़ दूंगी और तू तेरा, हम जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर बाद में कर लेंगे, काम तो करना ही है, नया कुछ सीखते हैं। आई, जो पिरामिड हमने लगवाया था वहाँ नीचे बिठाए, फिर मैं पीछे बैठी। फिर मैं बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि गाइडेंस मेडिटेशन हम सुनते हैं, तो थोड़ा ऐसा सुन के जो भी आया अच्छा ही बोला था, मगर जो भी आया उसको समझ में आएगा। तो 2 दिन मैंने उसको ऐसा कराया। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम वो बिल्कुल अनपढ़ गांव से आई, दिन में 25 घर का काम करती है, कितनी उसमें एनर्जी, उठ के मुझे बोलती है कि मुझे आँख नहीं खुल रही है। मैंने बोला आपको कैसा अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। फिर ऊपर से बहुत सारी कलर का कुछ अंदर इसमें घुस रहा था, उसको तो पता नहीं ना क्या बोल रही थी, ऐसा अंदर घुस रहा था कि पूरे बॉडी में अंदर उतर रहा हो ऐसा। उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करूँ मुझे काम करना है इसलिए मैं अभी उठ रही हूँ। फिर ऐसा चला, रोज़ आके मुझे बताती कि मुझे ऐसा लगा। फिर पूरे दिन काम करके शाम को बताती है कि देखो आज मेरे फेस पे कितना चमक है। मैंने बोला क्यों ध्यान कर रहे, तो कि हाँ इसलिए मुझे थक नहीं लग रहा, बिल्कुल पहले लगता था सर्दी होती थी, अब मुझे सर्दी नहीं होती, थकावट नहीं होती और मैं खुश रहती हूँ सबसे तो ज़्यादा, कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती। और जब भी मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसा बोलती है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं रुक जाती हूँ कि नहीं मुझे नहीं गुस्सा करना है, मैं ध्यान कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि इतनी अभी आई है, कितना हमें सिखा के जाती है, कितना सुंदर बोल रही है, उसको कुछ बिल्कुल क्लीन स्लेट, इतना अच्छा बोल रही थी रोज़ अभी रोज़। तो फिर तब ये ZTTP 24 बस आने ही वाला था, तो मैंने सोचा इसको मैं ये फॉर्म बोलती हूँ कि तू करेगी तो मैं भर दूँ, बोल। बोलती हाँ मैं करूँगी। तो फॉर्म उसने हमने भर दिया, क्योंकि उसको तो बढ़ना नहीं आता, भर दिया। फिर वो सुबह और शाम एक सेशन 2 टाइम करती है। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने पूछा कि आप ये कर रहे हो, तो बोलती हाँ। तो बोलती है कि आप जो ये सब बोल रहे हो ना, आसपास के लोग आवाज़, मुझे वो नहीं सुनाई देता, मुझे वो सब सुबह में जो वो बोल रही है ना मैम, वही सुनाई देता, अभी मेरे कान में वही आता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, अब बस लगे रहो ऐसे ही। उसके बच्चे को बैठा देती है, उसकी बेटी को बैठा देती है, सुबह में 5 बजे उठ के नहा धो के उसको बैठा देती है। ये काम मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हमेशा मैं जब से ध्यान में आई हूँ तो मुझे ऐसा था कि जो मुझे जितना भी आता है किसी को, एक को तो मैं सिखा के जाऊँ, तो ये दे दिया, इतना अच्छा लगा कि पूछो नहीं। मुझे ऐसा लगा कि पत्री जी ने ये इसको भेजा है। बहुत खुश हो गई कि ये मैं खुद सीख रही हूँ, उससे कुछ ना कुछ तो सीख रही हूँ इसलिए आने। और कैसा इंसान भेजा कि बिल्कुल अनपढ़, कि तू ले उसको सिखा, तू जो बोल रही थी कि तुझे बहुत सिखाना है, ले तू सिखा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सिखाऊँ, और उनको तो 4 गुना अच्छा लग रहा है कि आप कहीं मत जाना, मुझे तो आप में मेरी माँ दिख रही है, ऐसा बोल रही। तो मुझे लगा कि ओहो आपने तो मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो बोलती कि आप तो अब हमेशा के लिए US चले जाओगे। मैंने बोला नहीं ऐसा कोई US नहीं जाता, तो बच्चे हैं इसलिए जाते हैं, मैं हूँ तब तक जाना मत। तो मैं पत्री जी सर को बहुत नमन करूँगी कि इन्होंने मुझे ये जगाया कुछ करने के लिए और मुझ में कुछ डाला बीज। जब से मैं ध्यान में आई हूँ और मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो मैं फील कर रही हूँ, कि मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता कभी भी, पहले भी नहीं आता था, पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही उसके विषय में मुझे गलत कुछ धारणा भी नहीं बनती, यानी कि मुझे सब अच्छा लगता है, बर्ड्स अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे, कोई साग भाजी हो, घर के लोग, बाहर के लोग, आसपास के लोग, उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती।
कमी मेरे में दिखती है, मुझे कहीं भी कुछ भी होता है ना तो मुझे होता है कि हाँ ये मेरी गलती से ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कि इतनी खुश रहती हूँ हमेशा, 24 आवर्स खुश ही रहती हूँ, कभी मैं रोती नहीं हूँ या कभी गुस्सा नहीं करती, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती, मेरे ऊपर खुद के प्रेम, और खुद को मैं प्रेम करने लगी हूँ। पहले तो मुझे ये पता नहीं था, जब पत्रिसा ने बताया तब से ये हो रहा है। और दूसरा ये कि हमेशा हमेशा सुबह में 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा मैं योग करती हूँ। पहले वैसे भी पहले से मेरी एज 65 ईयर है, तो कुछ दुखता शरीर में कुछ रोग नहीं है, पाँव नहीं दुखता, हाथ नहीं दुखता, कुछ नहीं दुखता, कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे अकेले को नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर को भी नहीं कुछ होता। मेरे हस्बैंड भी ऐसे हेल्थी है, मेरे बच्चे एक बेटा है और बहू, उसके बच्चे, वो भी लोग ध्यान करते हैं PSSM का वहाँ US में। तो ये सब इतना अच्छा बॉडी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ध्यान और योग साथ में मिलके मुझे हवा में उड़ा रहे हैं। ऐसा मैं लाइट फील कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ। कहीं भी मैं जाऊँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मैं चलती हूँ तो पाँव इतने धीमे धीमे पड़ रहे हैं कि धब धब नहीं पड़ रहे, ऐसा मुझे लग रहा है कि हवा चल रही हो, ऐसा मैं फील खुद को करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे जो ये जो हो रहा है ना ध्यान के विषय में, मेरी फीलिंग हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे आत्मा को और मेरे शरीर को वो सबके पास जाना चाहिए, सबके सभी आत्माओं के पास पहुंचना चाहिए, मुझे आए कि ना आए, बस मैं ऐसी इच्छा तो करूँ, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही देगा। ऐसा कर करके ये सब मेरा, ये हमारे घर कमला है उसका एक तो हो गया, तो मैं इसके लिए तो बहुत ही खुश हूँ कि चलो मुझे एक चीज़ तो दे दी कि जो मैं मांग रही थी। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो होता है, वो पक्का। ये एक बात में नहीं, मेरा अभी 1.5 ईयर में जो मैं इसमें आई हूँ, तो 1.5 ईयर में जो हुआ है वो ऐसे ही बनता गया है, ऐसे ही, कोई भौतिक चीज़ नहीं, कुछ भी सिंपल काम हो, सिंपल रूटीन, छोटा छोटा काम हो, ऐसी टाइम में और इतना ईजी हो जाता है कि पता भी चमत्कार जैसा लगता है। वैसे चमत्कार नहीं है मगर चमत्कार लगता है, ऐसा इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए। वैसे मेरी अनुभूतियाँ बहुत शेयर की है, इनर जर्नी की, फिर विशेष विजडम की, यहाँ हम आए थे सूरत में वो वाला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि सबको मैं बोलूँगी कि PSSM में आके सब ध्यान करें और ये परमात्मा को महसूस करें, आत्मा परमात्मा को महसूस करें, फिर तो क्या बात है, अलग ही बात है, स्वर्ग स्वर्ग ही दिखेगा। धन्यवाद।